हेलो स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये कुछ स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आया, इसको दोबारा से देखेंगे। हमें दिया गया है जो त्रिभुज है ABC वो समरूप चल रही है त्रिभुज DEF के। ये जो दो त्रिभुज हैं ये एक दूसरे के समरूप हैं। इनके समरूप हो जाने के बाद क्या हुआ, हमने एक थ्योरम अप्लाई की। जब भी त्रिभुज समरूप होती हैं तो क्या होता है, जो एरिया है दोनों त्रिभुज का, जो भी समरूप त्रिभुज चल रही हैं उनका यदि क्षेत्रफल देखा जाए, तो यहाँ से हमने पहली दो नाम लिए AB, दूसरी त्रिभुज के दो नाम BE, इसका वर्ग। पीछे के दो अक्षर लिए BC और यहाँ से लिया EF, इसका वर्ग। इसी तरह से पहला और आखिरी दोनों तरफ से लिया और इसका वर्ग। ये आपस में बराबर होते हैं। अब हमें जो एरिया है ABC का वो दे दिया गया है 64 और इसी तरह से DEF का दिया गया है 121। अब यहाँ से तीनों में से हमें BC और EF के बारे में बात की गई है, तो हम सिर्फ इसी को यूज़ कर रहे हैं। हम किसी को भी ले सकते हैं लेकिन सवाल में जिसकी ज़रूरत है उसके इक्वल हमने इसको लिख लिया। अब हमने क्या किया, हमने दोनों तरफ वर्गमूल कर दिया है। दोनों तरफ हमने वर्गमूल किया तो वर्गमूल करने पर 64 का वर्गमूल 8, 121 का 11। इस तरफ भी वर्गमूल किया तो ये हो गया BC और EF। अब यहाँ से हमें BC तो पता ही लगाना है, EF हमें जो दे रखा है वो हमने लिख दिया, ये दिया है 15.4 सेंटीमीटर। अब इस वैल्यू को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, पहले ये भाग में था, जब जगह बदलेगा तो ये गुना में चला जाएगा, बटे में 11, BC तो है ही। अब 15.4 जो है इसको हमने 11 से भाग किया, एक पर गया पहले, ये दशमलव लग गया, फिर ये 4 पर गया, तो ये हमारे पास कितना आ गया, 8 गुना में 1.4, 14 की 8 से गुना कर दी, 112, दशमलव के बाद एक स्थान था तो हमने दशमलव लगा दिया, तो ये इतने सेंटीमीटर हमारे पास ये भुजा जो है वो आ गई।